अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम जमात पंजुम का निकष नंबर 20 देखेंगे, जिसमें 3 या 5 मिनट का ड्रामा पेश करना बताया गया है। इस वीडियो में हम बहुत सारे ड्रामे देखेंगे और आप लोगों को इसकी मश्क करना रहेगा। देखिए, हमारे सामने यहाँ पर ड्रामा नंबर 1 है, बीमारियों का जिम्मेदार कौन। तो इसके अंदर किरदार है हमारे फैज़ान, दिलशाद और असजद, तीन जो है बच्चे हैं। वालिद भी बना है इसमें और दोस्त भी है। हम लोग ड्रामा देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। वालिद कहते हैं, फैज़ान जो है वालिद बना है। वालिद कहते हैं, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ दोस्त, मुझे किसी बाबा के पास ले चल, ये असजद की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। दिलशाद जो दोस्त बना हुआ है कहता है, अरे फैज़ान भाई आप भी ना, मैं आपको किसी बाबा के पास तो नहीं ले जा सकता, लेकिन एक अच्छे डॉक्टर के पास ज़रूर ले जा सकता हूँ। दिलशाद कहता है, मैं इसका बहुत दिनों से इलाज करवा रहा हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फैज़ान कहता है, हाँ लेकिन मैं आपको जहाँ ले जाना चाहता हूँ आप वहाँ ज़रूर चलो। दिलशाद कहता है, ठीक है। यहाँ पर फैज़ान और दिलशाद दोस्त है और एक वालिद बना है और एक उसका दोस्त है, तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। फैज़ान का जो लड़का है वो तबीयत उसकी ख़राब है। फैज़ान के लड़के का नाम असजद है, समझ गए आप लोग। अब दोनों जो है वो बच्चे को लेकर जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्या हुआ इस बच्चे को। फैज़ान कहता है, डॉक्टर साहब मेरा ये बच्चा हमेशा बीमार रहता है, कभी बहुत तेज़ बुखार होता है, हमेशा पेट दर्द की शिकायत भी करता है। दिलशाद कहता है, डॉक्टर साहब ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये बहुत परेशान रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, क्यों मियाँ बहुत परेशान करते हो अपने वालिद को। लड़का कहता है, नहीं मुझे हमेशा पेट दर्द और बुखार रहता है। डॉक्टर साहब कहते हैं, लगता है तुम बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हो। फैज़ान कहता है, लेकिन डॉक्टर साहब ये घर की चीज़ें ही खाता ही नहीं है। फैज़ान जो है वो उनके वालिद है वो लड़के के, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये तो बाहर की घर की चीज़ें खाता ही नहीं है ये, ऐसा जो है तो उसे कहते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं, ये तो बहुत ख़राब बात है, अक्सर बीमारियां हमारे खाने पीने की वजह से भी होती है। हमें कम मिर्च मसाले का, कम तेल वाली चीज़ें, जो घर में बने हुए हो वही खाना चाहिए। खुले में रखी हुई और ख़राब तेल में तली हुई चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे बेहतर खाना माँ के हाथों का होता है, इसलिए माँ के हाथों का खाना खाना चाहिए। दिलशाद कहता है, सही है कहा डॉक्टर साहब आपने, कुछ दिनों से न्यूज़ चैनलों पर भी ये बता रहा है कि चीन में एक बीमारी कोरोना वायरस की वजह से फैली हुई है। वो बीमारी जहरीले और ख़राब जानवरों के गोश्त खाने की वजह से हुई है। फैज़ान कहता है, ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसे अब बाहर की कोई चीज़ खाने नहीं दूंगा और नहीं खिलाऊंगा। तो ये था हमारा ड्रामा, बीमारी का जिम्मेदार कौन। आप लोगों को ये ड्रामा जो है तो करना है, प्रैक्टिस इसकी करना है, इसको लिखना और समझना भी है। देखिए, यहाँ पर एक ड्रामा है हमारे सामने जिसका नाम है बेटी पढ़ाओ, लड़की लड़का बराबरी। ये हमारे ड्रामे का नाम है। किरदार है इसमें माँ, बाप, हिना, साजिद और उस्ताद। 5 किरदार है यहाँ पर, याद रखना है। माँ कहती है, जल्दी करो साजिद, देखो हिना कब की उठकर स्कूल चली गई है। हिना और साजिद जो है दोनों भाई बहन हैं, तो माँ कहती है, जल्दी करो हिना कब के स्कूल चली गई है। साजिद कहता है, हाँ उठूँगा अभी। बाप कहता है, तुझे
हम हिना से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुनता। साजिद कहता है, ठीक है, ये लो, उठ गया। माँ, आज नाश्ते में क्या लेकर जाएगा स्कूल? साजिद कहता है, कुछ अच्छा दे दो। बाप कहता है, अच्छा ही तो ले जाता है रोज, कभी अंडा, ताज़ी सब्जी, कभी खीर वगैरह। माँ कहती है, तुम बहुत सताते हो। साजिद कहता है गुस्से से, तो मुझे भी दे दिया करो कुछ भी जैसा आपा को देते हो। क्लासरूम का मंजर। क्लासरूम में उस्ताद साजिद से कहते हैं, आज तुम फिर लेट आए? साजिद कहता है, जी सर, माँ ने नाश्ता बनाने में देर कर दी। उस्ताद कहते हैं, लेकिन तुम्हारी बहन तो जल्दी आई है। साजिद कहता है, हाँ तो माँ ने इसे रात का बचा हुआ खाना ही तो दे दिया था, इसलिए वो जल्दी आ जाती है। उस्ताद कहते हैं, ठीक है हिना, कल तुम अपने वालिद और वालदा को साथ में स्कूल लेकर आना। हिना से जय तो उस्ताद कहते हैं। दूसरे दिन हिना के साथ इसके वालिद और वालदा आते हैं। वालिद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। उस्ताद कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, आइए बैठिए, आपसे कुछ ज़रूरी काम है। वालिद कहते हैं, हाँ ठीक है, बोलो सर। उस्ताद कहते हैं, आज आपने हिना को नाश्ते में क्या दिया? वालदा कहती है, रात की बची हुई खिचड़ी। उस्ताद कहते हैं, और साजिद को? वालदा कहती है, साजिद को उबले हुए दो अंडे। उस्ताद कहते हैं, हिना आपकी सगी बेटी है ना? वालदा कहती है, हाँ। उस्ताद कहते हैं, तो फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों करते हो? वालिद कहते हैं, नहीं उस्ताद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम उसे भी उतना ही प्यार करते हैं। वालदा कहती है, नहीं सर, हम ऐसा नहीं करते हैं। उस्ताद हिना से मुखातिब होकर कहते हैं, क्या हिना बात सच है? हिना नहीं का इशारा करते हुए रोने लग जाती है। माँ बाप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और इनकी आँख में भी आंसू आ जाते हैं। दोनों हिना की तरफ बढ़कर उसे गले लगाते हैं। ये देखकर उस्ताद की आंखें भी नम हो जाती है। यानी वो लोग लड़की होने की वजह से हिना के साथ भेदभाव करते थे, लेकिन उस्ताद के बोलने पर उन्हें एहसास हो गया और फिर वो हिना के साथ भी अच्छा रहने लगे।